फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल आने पर रिंगटोन की साउंड की आवाज आ रही है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है। नीचे आपको जो है ना सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन टैप करना है, तो आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग का आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज आता है, इसमें ऐप इन्फो लिखा है ना, ऐप इन्फो पे टैप करना है, तो आपका ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको नीचे स्टोरेज, स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको क्लियर कैच, क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।